वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज कैसे हो आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज मैं आया था अपने यहाँ पर गुड़े कल्याल में, तो यहाँ पर ही आज मंडे था साथ में, और यहाँ पर एक शिवजी भगवान का प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, तो सोचा यहाँ पर ब्लॉग भी बना लेते हैं और आपको मिलवा भी देते हैं, दर्शन करा देते हैं शिवजी भगवान के। तो बड़ा ही ज्यादा प्राचीन मंदिर है, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मैं एक लड़के को साथ में लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं। तो चलते हैं यहाँ से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कौन है वो लड़का और कहाँ से वो रास्ता जाता है। वैसे ये गुड़े कल्याल से रास्ता जाता है, तो चलते आगे। उस जगह का नाम वैसे शरड पड़ता है, आधे लोगों को मैक्सिमम तो पता ही होगा कि शरड कहाँ पर है, वैसे तो मेरे को भी नहीं पता। आज मंडे था साथ में, तो सोचे चलते हैं वहां पर। तो चलो गाइज, अभी हम यहाँ पर पहुंच गए थे जहाँ तक बाइक जाती थी, तो हमने बाइक वो लगाई पीछे और मेरे साथ ये जा रहा है आगे, इसको बोला मैंने चल मेरे साथ क्योंकि मेरे को रास्ता भी नहीं पता कहाँ पर है। तो चलते हैं, अभी बोलता थोड़ा सा पैदल जाना है, तो चलते हैं पैदल थोड़ा सा, तो फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइज यहाँ पर जाने का रास्ता देखो, बिल्कुल स्लिपी रास्ता है, ये देखो आप रास्ते को देख के बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन जो बना ना भाई, से की स्लिप लगी है बंदा पूरा नीचे, वो देखो नीचे वो भी है नदी एक जा रही है छोटी सी, पता नहीं छोटी है बड़ी, देखते नीचे जाके, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ही इस जगह का नाम है शरण, तो यहाँ पर इसका मंदिर ये है, उसके बीच देख लो कितना रश है, आज जेठा सोमवार है उसकी वजह इतना रश है यहाँ पर। और यहाँ से नीचे से एक नदी जाती है भाई, छोटी सी नहीं है पर ठीक है, ये देखो ये जा रही है, तो ये नदी पांच तीर्थ में आती है ना, हाँ ये वही है जो पांच तीर्थ में आती है। रश देख ही लो भाई कितना, मतलब वो जो अंदर वो शेड है वो पूरा भर हुआ, लाइन लगी हुई है बाहर तक, वो देखो यहाँ तक। तो चलते हम भी दर्शन करने, लगते हैं लाइन में, और वहां पर खाना बनता है शायद, वहां पर आज शायद जग भी होगा वहां पर, तो बताता हूँ। वैसे ये जगह बड़ी सही है भाई, ये देखो कैसे मतलब पुल बनाया हुआ है ना सही, और यहाँ पर है मंदिर। तो चलते हैं गाइस, हम आगे बताता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये देखो यहाँ पर बन रहा है प्रसाद, और ये देखो मैं आपको बताता हूँ प्रसाद में क्या है यहाँ पर। तो ये देखो प्रसाद में बना है भाई हलवा, ये देखो यहाँ पर प्रसाद वगैरह मिलता है। तो चलते हैं यहाँ से आगे, मैं बताता हूँ यहाँ पर पीछे भी पार्क पूरा बना हुआ है, ये देखो पूरे पार्क का व्यू, और वो क्या पीछे, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है बाथरूम। तो गाइस वो देखो पीछे बाथरूम भी बने हैं, इधर चार बाथरूम बने हैं, और यहाँ पर दादू जी दे रहे हैं प्रसाद, वो देखो ये ठीक है भाई। आज रश है ना साथ में, जेठा सोमवार है उसी वजह थोड़ा रश है यहाँ पर, इसलिए प्रसाद भी मिल रहा है। तो चलते हम भी लाइन में लगते हैं, ठीक है चलो। तो गाइस वो देख सकते हो वहां तक लगी है लाइन, आगे तक आगे यहाँ पर छोटी सी गुफा है, गुफा आगे गुफा है आगे, हाँ वहां पर है वो देखो लास्ट में गुफा है, तो यहाँ पर लगे सारे लाइन में। और ये देखो पानी कहाँ से आ रहा है ऊपर से, ये देख रहे हो ऊपर से आ रहा है पानी यहाँ पर, ये तो गाइस यहाँ पर रश बढ़ जा रहा है, वहां पर देखो जो लाइन लगी है कितनी ज्यादा, ये देखो वो वहां पर लास्ट में गुफा है, तो वहीं पर जा रहे सारे भाई दर्शन करने, लाइन तो बड़ी ज्यादा बड़ी लग गई है यहाँ पर, अभी लोग आए भी जा रहे हैं भाई पीछे से। गाइस यहाँ पर देखो मतलब पत्थरों को तोड़ तोड़ के यहाँ पर मूर्तियां बनाई है, मतलब बड़ी पुरानी है, बोल रहे हैं कि बड़ी पुरानी है, ये देखो मतलब पत्थरों को तोड़ तोड़ के बनाया भाई, ध्यान से देखो, ये देखो कैसे पत्थरों को तोड़ तोड़ के, वो देखो वहां पर वो भी है बजरंग बली, वो देखो वो सामने ऐसे यहाँ पर है कुछ 8-9, ये देखो यहाँ पर भी आगे। तो गाइस यहाँ से गुफा की स्टार्ट होता है, ये देखो यहाँ से मतलब गुफा स्टार्ट होती है, तो इसके अंदर थोड़ा सा है थोड़ा सा दूर, तो यहाँ से जा रहे हैं अभी सारे, ये देखो
ये यहाँ पर एक एक बंदा बेच रही है, सही है भाई। तो गाइस अभी हम दर्शन करके आ गए, और मतलब दर्शन करने में भाई एक पौना घंटा लग गया भाई, इतना ज्यादा रास्ता वहाँ पर। तो अभी हम वहाँ से आए दर्शन करके, और अभी भाई बड़ा ज्यादा रश हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज जेठा सोमवार है साथ में। तो अभी चलते हैं दूसरी साइड, वहाँ पर देते हैं प्रसाद, ठीक है। तो गाइस ये देखो यहाँ पर पानी में भाई भैंस घुसे है, नहा रहे हैं मजे से यहाँ पर। ये देखो एक वो गया, एक दूसरा ये है, और ये है तीसरा कहाँ गया, हाँ वो है वो सामने। यहाँ पर कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ये देखो वो है मंदिर वो सामने, ये छोटा मंदिर है, इसके अंदर ही गुफा है। तो गाइस अभी हम दूसरे मंदिर में आ गए, और ये है मंदिर पीछे है, घोड़े से रास्ता जाता है, मतलब इस जगह का नाम है दंदिया। तो यहाँ पर ये एक बड़ा प्राचीन मंदिर था, तो ये देख सकते हो ये पीछे, और चलते हैं अभी अंदर, आपको दर्शन करवाते हैं इस मंदिर के भी, ठीक है चलो। ओम नमः शिवाय। तो गाइस ये देख सकते हो ये अंदर ऐसा कुछ है, ये देखो आपको अंदर से बता दी, एक यहाँ था उस मंदिर, और यहाँ था, और यहीं पर पीछे भाई ये देखो पत्थर के शिवलिंग बनाए हुए हैं, ये देखो ये देख रहे हो, ओम नमः शिवाय। ये देखो पत्थर के शिवलिंग बनाए हर जगह, ये देखो यहाँ पर भी है कुछ, और ये आगे भी है कुछ यहाँ पर, ये देखो नंदी, ये देखो भाई कितने बड़े बनाए हैं, ये देखो देख रहे हो भाई। इस मंदिर में भी यहाँ पर पास में ये देखो यहाँ पर जग वगैरह बनता है, ये देखो यहाँ पर बनाया हुआ है जग वगैरह बनाने के लिए, और यहीं पर मंदिर है पास में, ये देखो बस यही था यहाँ पे। तो भाई जब हमने दो दो मंदिर के दर्शन कर लिए, जो पहले बताया वो था शरण में, और ये इस जगह का नाम है दंदिया। तो दो दो मंदिर में दर्शन कर लिया, दोनों शिव जी भगवान के थे। तो आज था भी जेठा सोमवार, इसलिए थोड़ा थोड़ा रास्ता इस वाले मतलब मंदिर में रश कम था, जो पहले वाला था उसमें तो बड़ा ज्यादा था। तो यहाँ पर भाई दंदिया जगह बड़ी सही है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो भाई जगह चेक करो कितनी प्यारी जगह है, ये देखो कितनी सही जगह है। तो भाई अभी मैं आ गया था घर पे, और अभी टाइम हो रहा है 10:51, ये देखो ये हो रहा है 10:51। तो अभी 11 बजने वाले हैं, और मैं अभी घर पे आ गया था। तो आज बस सुबह सुबह 7 बजे निकला था घर से ब्लॉग बनाने के लिए, और साथ में दर्शन भी कर लिए दो मंदिर से, और आपको भी करवा दिए दर्शन। तो भाई मैं कोशिश करता हूँ कि बिलावर की छोटी छोटी मतलब प्लेस में आपको बताने की कोशिश करूँ, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ। तो बस अभी तो लगा ही रहेगा बिलावर की, मतलब मैं बिलावर की छोटी से छोटी चीज आपको बताऊंगा मैं अपने ब्लॉग्स में। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो मिलते हैं आपको ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।